और अली जैदी को तलब कर लिया। खालिद मकबूल और फरोग नसीम को भी तलब किया गया है। सियासी रहनुमाओं को रिकॉर्ड समय 14 सितंबर को तलब किया गया है। तफसीलात जानेंगे बोलियंस के नुमाइंदे एहतिशाम कियानी से। एहतिशाम, क्या तफसीलात हैं? देखिए, नैब 190 मिलियन पाउंड की रकम की गैर कानूनी पाकिस्तान मुंतकली की तहकीकात कर रहा है। उसमें इससे कबल भी बहुत से लोगों को बतौर गवाह और बतौर मुलजिम तलब करके उनके बयान कलमबंद किए जा चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई को भी तलब किया गया, उनका बयान कलमबंद किया जा चुका है। अब नैब ने साबिक वफाकी वजरा फैसल बॉर्डा और अली जैदी को नैब रावलपिंडी में तलब कर लिया है। इसके अलावा खालिद मकबूल सदीकी और फरोग नसीम को भी तलब कर लिया गया है। चूंकि इस रकम की मंजूरी जो थी वो काबीना ने दी थी और काबीना में उस वक्त के मौजूद तमाम जो वफाकी वजरा बशमूल वज़ीर आज़म उन सबको तलब किया जा रहा है। इस आज के लिए शेख रशीद अहमद को भी तलब किया गया था, लेकिन अब शेख रशीद ने जवाब जमा कराया है कि वो नैब के सामने पेश नहीं हो सकते और उनका इस तमाम मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। अब नैब ने फरोग नसीम, खालिद मकबूल सदीकी, फैसल बॉर्डा और अली जैदी को 14 सितंबर को तलब कर लिया है। जी, सियासी रहनुमाओं को रिकॉर्ड समय 14 सितंबर को तलब किया गया। बहुत शुक्रिया एहतिशाम, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर दें आपको। डॉलर की पोजीशन